सो गाइस, आज मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कैची धाम पे, जहाँ पे भाई बिल गेट्स, मार्क जुकबर्ग, भाई बड़े बड़े लोग आए हैं, मत्था टेक के गए हैं। कि नीम करोली बाबा जब आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, उनके पास टिकट नहीं थी, तो जब उनको ट्रेन से उतारा तो वो ट्रेन आगे ही नहीं चली थी, तो टीटी ने दोबारा उनको ट्रेन में बिठाया, तब ट्रेन चली थी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पता नहीं ये लोगों ने धंधा बना रखा है क्या है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ भाई सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए बिल्कुल। सो गाइस, अभी उठे हैं भाई, रेडी शेडी हुए हैं भाई। आज हम जाने वाले नीम करोली बाबा, जो कि अभी रानीखेत से एक घंटे की ट्रेवलिंग पे है, किलोमीटर अप्रोक्स मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से एक घंटा हम ट्रेवल करके जाएंगे नीम करोली बाबा। तो आज भाई तुम्हें भी अपने साथ दर्शन करवाता हूँ मैं नीम करोली बाबा के। सो गाइस, अभी हमारी पैकिंग वगैरह होगी है, और आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना भी होगा यार, वो हनुमान जी के मतलब वंशज या उनके भक्त कुछ भी बोल सकते हैं। और जिस जगह नीम करोली बाबा का मंदिर है उसको बोलते हैं कैची धाम, जिसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। सो गाइस, आज मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कैची धाम पे, जहाँ पे भाई बिल गेट्स, मार्क जुकबर्ग, भाई बड़े बड़े लोग आए हैं, मत्था टेक के गए हैं, और उन्होंने भी बोला है कि भाई जो हमने मांगा है वो हमें मिला है। सो गाइस, जब इतने बड़े बड़े लोग आके गए हैं, जिनके पास सब कुछ है, तो कुछ तो शक्ति होगी यार वहाँ। तो मेरे साथ आप भी दर्शन करना नीम करोली बाबा कैची धाम पर। ये देखो भाई, पैकिंग वगैरह हो गया, बैग रख लिया हमने सारे। और भाई होटल में चेकआउट करते हो ये जरूर ध्यान रखे, कई छोटे छोटे प्लग होते हैं कई कोने में, वहाँ आपका चार्जर ना रह जाए, कुछ ना छूट जाए। सो एक बार लास्ट में भाई जब बैग वगैरह सब बाहर रख लो, तो अच्छे से रूम को चेक करना चाहिए, ताकि हमारे कुछ सामान रह ना जाए, अदरवाइज भी परेशान होते हैं यार, दूर जाने के बाद याद आता है। सो इसी टाइम पे आपको सारा चेक कर लेना चाहिए। और इसको देखो भाई, सुबह सुबह पावर बैंक से चार्ज लगा के ये सब है भाई, इसमें वीडियो गेम खेलता रहता है, इसका तो वीडियो गेम से ही फुर्सत नहीं है भाई। सो गाइस, हाउ आई एम लुकिंग स्मार्ट, जो कि है भाई। पर ये देखो भाई, एक फ्लावर दिखाता हूँ यार, उस पर कैसे मतलब मधुमक्खियाँ रस लेके जा रही है। सो गाइस, इतने बड़े बड़े फ्लावर है यार, 7-8 मधुमक्खियाँ अंदर बैठी है और एकदम से रस लेके जा रही है भाई, कहीं शहद बनाएगी जाके। तो मधुमक्खियाँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपको पता होगा ना भाई शहद कैसे बनता है, ऐसे फ्लावर से मधुमक्खियाँ रस लेके जाती है और अपने छत्ते पे जाके, जहाँ उनका घर होता है वहाँ जाके वो शहद बनाती है। सो भाई आ गया गाड़ी के पास, गाड़ी का भाई शीशा खोल देते थोड़ा, क्योंकि यार धूप में जब गाड़ी खड़ी होती है ना तभी गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो शीशे उतार दिए भाई, अभी सामान रखवा लेते हैं अपना। सो भाई आ गया अपना लगेज, और भाई रख देते हैं इनको भाई डिग्गी में, सामान सेट करना भी कलाकारी हो जाती है जब इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे लगेज होता है। और ये लास्ट में आ गया भाई ध्रुव का बैग, और अब कर देते हैं भाई अपनी डिग्गी बंद और वेट करते हैं भाई, अभी मम्मी और सारे आ रहे हैं। भाई माँ बाप को भी घुमाना चाहिए यार, जो ये आजकल की जनरेशन है ना, जो जवान जवान लड़कों को लेकर साथ में घूमती रहती है भाई, कई बार उनसे ज़्यादा मजा ना फैमिली के साथ घूमने में आता है। सो भाई अपने माँ बाप को ही घुमाना चाहिए भाई, खुल के घूमो यार। टेम्पो ट्रैवलर वगैरह आते हैं भाई, उनको मोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। ये देखो भाई, ये ट्रैवलर मोड़ रहा है, स्पेस बहुत कम है। और जब से मेरी वेट कर रहा था भाई, ये किसकी गाड़ी है, हटेगी तो मैं मोड़ूंगा। सो भाई सभी आगे बैठ गए गाड़ी में, भाई हमारे बिल्लू बादशाह भी आ गए हैं। ध्रुवा छोड़ दे इसको, पहाड़ों के वादियों के मजे लियो, ठीक है, कोई नहीं, खेल ले 2 मिनट। तो भाई आजकल टेक्नोलॉजी ने भी भाई बच्चों को ऐसे जकड़ लिया है, बड़ों को भी जकड़ रखा है, बच्चों को क्या यार। सो भाई चलते हैं अभी भाई कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन करते हैं। सो भाई रानीखेत को बोलते हैं बाय बाय, भाई गाड़ी हमने शुरू कर ली। ये देखते भाई चलते हैं यहाँ से, सुबह का नज़ारा और देख लो। और भाई मॉर्निंग में भी यहाँ जो है ना मार्केट थोड़ी लेट खुलती है, कुछ मेन दुकानें तो खुल जाती है, पूरी मार्केट थोड़ा लेट ही खुलती है। सो लेट्स गो भाई, चलते हैं भाई, रानीखेत को बोल दिया बाय बाय। गाइस ये देखो भाई, 2 बस आ गई है, इतना भीड़ा रोड है कि 2 बस आ गई है। और ये देखो भाई, और हमारी गाड़ी देखो कैसे बच रही है थोड़ी सी भाई, बहुत रिस्की रास्ता है थोड़ा सा ना, 2 बस आ जाए आमने सामने बस, देखा आपने यार कितना टफ हो जाता है कई बार गाड़ी निकालना। सो गाइस अभी जा ही रहे थे तो रास्ते में लिया एक स्टोव छोटा सा, कई बार क्या होता है ना पहाड़ों पे आते हो ना, एक किलने बिस्लरी का पानी छोड़ दो यार, जैसे कोई भाई चश्मा मिलता है ना, चश्मा बोलते हैं इनको, जो कि पहाड़ों से पानी निकलता है ना नेचुरल, तो उसको बोलते हैं चश्मा। तो जितनी भी आपके पास बोतल हो खाली गाड़ी में रखो भी, जब पहाड़ों में जाओ तो खाली बोतलें जरूर रखो यार। उसका रीज़न क्या है कि ये देखो, ये जो पानी निकल रहा है भाई, ये निकल रहा है पहाड़ों से बिल्कुल, और बिल्कुल प्योर पानी है यार। जब मैं गया था, मैंने जब भी यहाँ से बोतल भर के ले गया था, तो मैंने 2 दिन तो यही पानी पिया है भाई। जो पहाड़ों का पानी होता है ना भाई, जो पेड़ों की जड़ से जो पानी रिस रिस के जो बनता है ना बूंद बूंद करके, फिर ये लहर बनती है पानी की, तो भाई ये पानी होता है बहुत ही हेल्दी, ठीक है। ये देखो, और ये आ रहा भाई ऊपर गई पहाड़ों में से। सो गाइस ये बोतल भर रहा हूँ मैं अभी भाई, ठीक है ना। और भाई मैं तो पहाड़ों पर आता हूँ, और मुझे पहाड़ों का पानी मिल जाए ना, मैं तो उससे अच्छा कुछ मानता नहीं, लेकिन ले बिस्लरी तो मैं सब छोड़ देता हूँ भाई। यहाँ से पानी निकल रहा है, ये देखो इधर से भाई, जितने भी ट्रैवल करने वाले आते हैं ना भाई, यहीं पे नहा धो भी लेते हैं, तो भाई इस पानी के फायदे बहुत है यार। ये आ गया ध्रुवा, ध्रुवा को तो नींद आने लग गया है ना, ध्रुव है ना, बस पहुंचने वाले, ले ये रख दे पानी की बोतल, मुक्तेश्वर पहुंचने वाले हैं, मुक्तेश्वर नहीं पहले कैची धाम जाएंगे ना। सो गाइस पानी भर लिया भाई हमने बोतल्स में, अब चलते हैं आगे। सो गाइस एक चीज और, ये देखो यार जहाँ से पानी निकल रहा है ना, सिर्फ इसकी वजह से याद है कितने ढाबे आ गए हैं,
वहाँ तक ढाबे ही ढाबे हैं, क्योंकि भाई जो ट्रैवल करते हैं वे लोग यार रेस्ट करते हैं, पानी की वजह से रुकते हैं, और फिर भाई ये ढाबे भी चलते हैं, तो हम भी टेस्ट करते हैं भाई कुछ पकौड़े वगैरह लेके आते हैं। अच्छा ले आए भाई मम्मी, और तो पकौड़े लेके आ गया। ये देखो भाई पकौड़े आ गए भाई, सारे पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं, गर्मा गर्म। सुहैज मैं सफर में तला हुआ तो खाते ही, वैसे भी नहीं खाता मैं तला हुआ घर पे भी। भाई आप देख रहे हो एक पानी का स्रोत है बस, उसने कितना रोजगार दे दिया यहाँ पे। तो भाई पानी की वैल्यू समझो, पानी को वेस्ट मत करो। और भाई सतेंद्र का गाना सुनते हुए करते ट्रैवलिंग यार, बहुत दिन हो गए सतेंद्र सरताज का गाना सुने हमें, ये सुने भाई साई वे मेरे यार। सो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, रानी खेत से जब 10 किलोमीटर पहले थोड़ा सा प्लेन एरिया चालू हो जाता है, नदी के साथ साथ रोड जाता है ये 12-15 किलोमीटर का, तो इतना टर्न नहीं है इस पे, बस जो घुमावदार रास्ता है वो 10-12 किलोमीटर का। सो अभी हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, थोड़ा प्लेन ही रास्ता है एक तरीके से। सो गाइस अभी पहुंच गए नीम करोली बाबा के धाम पे हम, कैची धाम पे। अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं यार, थोड़ा क्राउड तो लग रहा है मुझे, तो अभी पार्किंग देखते हैं भाई कहाँ मिलेगी। और भाई गाड़ी ना रोड पे खड़ी करके ना जाए, वरना लोग लगा देते हैं पुलिस वाले, जो हमारे दिल्ली में भी लगाते हैं टायर में लोग, वो लोग लगा देते हैं। सो गाइस एक पार्किंग मिली है मुझे, पेड पार्किंग है मंदिर के पास ही भाई, लेकिन थोड़ी सी रिस्की भी है। ये देखो भाई ये पेड़ पार्किंग, और नीचे जाना है। सो गाइस ये देखो रिस्की कितना है यार, गाड़ी बिल्कुल टिल्ट हो चुकी है, बहुत टेढ़ी हो चुकी है वही गाड़ी ना। लगाते हैं भाई इधर छाया ढूंढ के, गाड़ी थोड़ी छाया में लगा देते हैं। सो गाइस गाड़ी लगा दिया मैंने छाया में यार, चलते हैं गाइस देखते हैं कैची धाम दर्शन करते हैं। ये देखो यहाँ से लाया हूँ यार, इतनी स्लांट था, यहाँ से गाड़ी लेके आया हूँ। सो पार्किंग चार्ज है 120 रुपये, ये स्लिप दे देंगे आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं है, वन टाइम पेमेंट है 120 रुपये की। ये गाइस ये देखो इधर भी भाई प्रसाद की दुकानें हैं, इधर भी प्रसाद की दुकानें हैं। अब तो भाई काफ़ी सारे होटल रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, अगर किसी को रुकना हो कैची धाम पे आके तो बहुत सारे होटल्स हैं। हम तो भाई मुक्तेश्वर जाएंगे अपने फार्म हाउस पे, तो हम तो स्टे करेंगे नहीं, सो दर्शन करके भाई सीधा निकल जाएगा अपने फार्म हाउस के लिए हम। सो गाइस ये है एंट्री, मम्मी ने भाई ध्रुव का हाथ पकड़ रखा है टाइटली, वैसे कुछ खास भीड़ लग नहीं रही है। ये एंट्री है भाई, यहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे, वहाँ जाना है हमें, वो है मेन मंदिर। आरती खत्म हो चुकी ना तो ये भीड़ छटकी। अच्छा मेन आरती में आते हैं, अच्छा तो सो भाई मेन आरती में ज़्यादा भीड़ रहती है यार। और ये देखो भाई बंदर कैसे बैठा है। सो चलते हैं भाई, पीछे भांग के पेड़ थे, भांग की ऐसी खुशबू आ रही थी, पीछे भांग की खुशबू आ रही थी, देखी थी आप एंट्री पर। सो भाई ये कैची धाम है, उसके बराबर में ये नदी है भाई, पानी कम है, वो सारी भांग है ना उस तरफ, इसलिए ये सारी भांग है भाई आप देख रहे हो ना। तो जब हम यहाँ से रानीखेत के लिए गए थे तब अप्रोक्स भाई 10-12 किलोमीटर नदी के साथ साथ ही जाते हैं हम, तो आप कहीं भी रुक के चिल आउट कर सकते हो, नहा सकते हो। ध्रुव क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, थोड़ा चुप चुप सा हो गया ध्रुव, तो सुस्त हो गया ट्रैवल करके ना, थोड़ा चुस्त होना चाहिए ध्रुव, सुस्त नहीं। सो भाई एंट्री करते करते भाई कुछ जगह इंस्ट्रक्शंस है, जैसे ये है भाई कि मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखे, और यहाँ पे बंदरों के लिए चने वगैरह डाल रखे हैं सब ने, और वहाँ पे केले वगैरह खिला रहे हैं भाई। ये देखो बंदर कैसे बैठे हैं। चलते हैं भाई अंदर, जूते चप्पल भाई यही उतार रखे हैं सब ने। सो गाड़ी में उतार के आने चाहिए थे वैसे तो यार, यहाँ जूते चोरी हो सकते हैं, देख कैसी जगह है बेटा, उतारनी पड़ेगी। और भाई ध्रुव का चप्पल उतार के चलने में बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा ना लगता है, इसके ना मॉल में ले गए थे जब पैर में कुछ लग गया था, वो नीचे ना फूल रखा है उसकी वजह से, उस वजह से होता है उतार के। कोई नहीं बेटा मंदिर में तो उतार के उतार दे। सो भाई शूज वगैरह हमने यही उतार दिए हैं, जैसे ही मंदिर में दूसरा गेट आता है, एक तो वो एंट्रेंस थी भाई, वहाँ से हमने एंट्री करी थी। सो ये है गाइस दूसरा गेट, तो उससे पहले जूते चप्पल उतार देते हैं, कोई रखने की जगह नहीं है तो आप कहीं भी उतार सकते हो। सो गाइस इससे आगे नो फोन नो कैमरा, तो इससे आगे भाई कैमरा नहीं ले जा सकते हम। अगर यहाँ पे मिल गया हमें हनुमान चालीसा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही बांटते हैं। तो भाई जैसे आप मंदिर में एंट्री करते हो तो यहाँ भजन होता रहता है, भजन मंडली चलती रहती है, और भाई वीडियो वगैरह अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शूट करी है भाई अंदर की। सो भाई ये था मंदिर, यहाँ से एंट्री जाते हैं, और इससे आगे फोटो वगैरह अलाउड नहीं है। सो अभी निकलते हैं भाई बाहर, हमने दर्शन कर लिए है। तूने कुछ मांगा है बताएगा ये बताता नहीं है जो भी मांगता है ना, अच्छी बात है ये ध्रुव है ना। सो भाई ये था भाई एंट्री गेट, चलो भाई अपनी चप्पल देखते मिलेगी, मिल गई भाई, मिल गई सबकी मिल गई, क्योंकि मंदिरों में भाई चप्पल चोरी का बड़ा रहता है, गर्म हो गया भाई चप्पल, धूप इतनी तेज है कि चप्पल बिल्कुल गर्म हो गया। तो भाई सबने दर्शन कर लिए है, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो। आपने पापा? बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया
इतना ही बोलेगा भाई, इससे ज्यादा नहीं। और भाई अंदर क्या है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं लोग, तो देखो ज्यादा मुझे भी नहीं पता नीम करौली बाबा के बारे में। एक दो स्टोरी मुझे पता है कि नीम करौली बाबा जब आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, उनके पास टिकट नहीं थी, तो जब उनको ट्रेन से उतारा तो वो ट्रेन आगे ही नहीं चली थी, तो टीटी ने दोबारा उनको ट्रेन में बिठाया तब ट्रेन चली थी। ऐसी ऐसी कुछ कहानियां नीम करौली बाबा जी की हमारे, जो कि और भी बहुत सारी कहानियां भाई बुक में पढ़ो आप, उनके बारे में गूगल सर्च करो, उनमें से एक कहानी है जो मैंने आपको बताई। सो गाइस चलते हैं भाई, हमने भी मन्नत मांग ली है। वैसे मैं किसी भी मंदिर में जाता हूँ ना तो मैं मन्नत ज्यादा मांगता नहीं हूँ। सो गाइस अभी चलते हैं भाई, दर्शन कर लिए सबने, खुले दर्शन हुए भाई, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। पर जैसे ही आप निकलोगे, निकलने के बाद यहाँ पर इन्होंने भाई पानी की व्यवस्था दे रखी है, पीने का पानी, हाथ धोने के लिए यहाँ। सो गाइस यहाँ मंकी देखो कैसे खाना खा रहे हैं भाई, सब जो भी करते हैं मंकियों को यहाँ खाना खिला देते हैं। चलो भाई चलते हैं, कभी हमारे कैमरा छीन ले। और ये देखो ध्रुव, देख मंकी हाथ लगाएगा काट लेगा, छोटा सा मंकी भी है उसके नीचे, ये चिपका हुआ है ना, जा हाथ धो ले। सो गाइस ध्रुव हाथ धो रहा है, ऊपर मंकी बैठा है। ध्रुव को डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ध्रुव लग रहा है। दादू कह रहे हैं भाई हाथ मिला ले उससे जाके। चलो गाइस तो दर्शन हो चुके हैं भाई, बढ़िया भाई ये स्टिकर है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पता नहीं ये लोगों ने धंधा बना रखा है क्या है, कह रहे अंदर फोटो वीडियोस नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एग्जिट करोगे, मतलब लास्ट पॉइंट पे आओगे, वहाँ पे इन्होंने स्टॉल बना रखी है, वहाँ से आप फोटोज खरीद सकते हो, कितने भी साइज के ले सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो। चलो बुक्स तो भाई चलती है कि कहानियां वगैरह किसी को पढ़नी हो, लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ तो यार ये स्टिकर है, जैसे एक ये स्टिकर हो गया, ऐसे बड़े बड़े स्टिकर है वो बेचते हैं वहाँ पे, तो फोटो वीडियो नहीं बना सकते तो फोटोज भी क्यों बेच रहे हो भाई। सो भाई लोगों में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है लालच ना, तो लोगों ने थोड़ी सी व्यवस्था का ऐसा कर रखा है कि पैसा कहाँ से कमाया जाए। चलो फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी यार, अंदर बहुत अच्छा ओरा था, एक अलग ही फील थी भाई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई अंदर। सो अभी चलते हैं भाई, दिन की शुरुआत हो गई है पॉजिटिव एनर्जी के साथ और नए जोश के साथ। सो गाइस एग्जिट कर लिया हमने, ये था मेन गेट जो कि रोड पे है बिल्कुल। सो भाई पापा कह रहे हैं जो हमारे फार्म हाउस पे सारा संभालता है उसको, तो उसके लिए वो डब्बा वगैरह मिठाई का लेके चलते हैं। बेटा अभी रहने दे, वहाँ खिला दूँ मुक्तेश्वर में, रास्ते में वो मिट आ जाएगी, ठीक है भाई। ध्रुव को खानी आइसक्रीम, एक घंटे बाद खिला दूँगा, ठीक है। उस पर रॉयल बेकरी नहीं आती, वो रॉयल मार्ट, उस पर खिला दूँगा, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे? 1 आवर। ये है ना, फिर रास्ता कवर हो जाएगा, ध्रुव वोमिट नहीं आएगी, ओके। सो भाई इन लोगों को तो किसी को भूख लग नहीं रही, मुझे भूख लगी हुई है, इतने प्रसाद वगैरह खरीदते हैं। तो भाई चलते हैं सामने श्री गुरुदेव भोजन ग्रह करके आए, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत पेट पूजा कर लेते, क्योंकि मेरी आदत है यार, मैं घर से भी ना 9-10 बजे खाना खा के निकलता हूँ। और अभी बज चुके हैं भाई 10 बज चुके हैं, हम 8:30 बजे निकले थे, 1 घंटा लगता है पूरा रानी खेत से नीम करौली बाबा तक आने का। और ये है भाई, देखने में तो बाहर से अच्छा लग रहा है, श्री गुरुदेव भोजनालय। चलते हैं भाई कुछ खाते हैं। तो ये है भाई सीटिंग अरेंजमेंट, यहीं बैठ जाते हैं। सो बना तो अच्छा रखा है भाई, देखने में तो बहुत सही लग रहा है, देखो यार। सो ये है भाई मेन्यू, सुबह सुबह का टाइम है तो डोसा खा लेते हैं, एक पनीर बटर मसाला डोसा करा दो, ठीक है। सो गाइस मैंने बोला एक पनीर बटर मसाला डोसा। और ये है भाई पूरा मेन्यू, और वहाँ से एंट्री थी मंदिर की, जैसे आप मंदिर से बाहर निकलोगे आपको ये रेस्टोरेंट दिख जाएगा। सो अभी भाई ऑर्डर कर दिया है, तो वेट करते हैं, टेस्ट करके बताएगा आपको कैसा है इसका डोसा। सो गाइस बोल दिया भाई डोसा करारा करवाओ, क्योंकि यार करारा डोसा अच्छा लगता है, अगर बढ़िया स्टफिंग हो फिर तो भाई कहना ही क्या है। आपको पता है? सो भाई अभी अकेला ही था तो सब आ गए अंदर, बड़ी गर्मी है बाहर, तो धूप तेज है ना, बहुत गर्मी है बाहर ना। सो भाई पहाड़ों की धूप जो बहुत करारी होती है ना, गर्मी बहुत है। तो ये आ गया भाई अपना डोसा, आप लोग लोगे डोसा, खाओगे पापा डोसा? सो गाइस ये आ गया अपना डोसा, और ध्रुव कर रहा है मम्मी से वीडियो कॉल पे बात है। सो गाइस अभी डोसा खाते हैं भाई, और भाई डोसा अच्छा है, लेकिन पनीर बटर पनीर डोसा बोला था, लेकिन आलू की स्टफिंग कर रखी है उसमें, पर डोसा अच्छा है। और ध्रुव ने क्या लिया है भाई? ध्रुव ने ले लिया भाई हनुमान जी का गधे का छल्ला। सो गाइस हो गया अपना डोसा ओवर। सो गाइस जो मेन गेट है उसके पास एक छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट है नहीं। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ धर्मशाला भी है, और भाई होटल्स भी है, रेस्टोरेंट बहुत कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आसपास है नहीं, और वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जैसे कि ये रहा ये अनुपमा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इस पर हमने खाया था, ठीक है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है काफ़ी कुछ है, और बहुत सारे होटल्स वगैरह भी है यहाँ, तो आप इजीली स्टे भी कर सकते हो। मौसम की बात करूँ तो भाई बहुत गर्मी है, थोड़ा डाउन में आ जाता है ये। सो गाइस जब भाई मिले, इन भाई ने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू, तो अच्छा लगता है भाई जब पूछते हैं, तो थैंक यू। जब हम वीडियो बनाते हैं ना भाई, जिन लोगों के लिए बनाते हैं वो आके जो कुछ बोलते हैं भाई, अप्रिसिएशन मिलता है, तो और हिम्मत मिलती है भाई वीडियोस बनाने की, मन करता है और काम करे और अच्छे से अच्छा दिखाए। और भाई अंदर वीडियोस फोटोज तो अलाउड है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रोन शॉट भी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ। सो भाई मैंने सर से पूछा था ड्रोन उड़ा सकते हैं नहीं, तो परमिशन नहीं है ना जी, या परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, परमिशन लेनी पड़ेगी तब आप कर सकते हैं। तो सर ने भाई बहुत अच्छे से समझाया हमें, थैंक यू।
तो भाई इशूज होते हैं यार, चुपचाप उड़ा लो, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। ड्रोन से वैसे भी यहाँ से कुछ स्पेशल दिखने वाला नहीं है, मंदिर ही दिखेगा, मंदिर की चोटियाँ दिखेगी ऊपर से। तो चलते हैं भाई अगेन अपनी पार्किंग में। ये खड़ी है हमारी सारी सवारी। तो ये देखो भाई कितना नीचे जाना पड़ता है, एकदम खड़ा है ध्रुव ये, है ना, कंट्रोल ही नहीं हो रही मेरे को। नीचे जाना है ना, एकदम अपने आप ही भागे जा रहे हैं, पैर अपने आप ही चलते जा रहे हैं भाई। सो भाई डेढ़ घंटे का और रास्ता रहेगा अपना। क्या है ना यार, टूर मैंने इस तरीके से प्लान किया कि थकान ना हो। पहले दिन तो हुई थी भाई, थोड़ा लंबा आना था। अब रानीखेत से दिल्ली तक हम भाई कई स्टॉप लेते जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करते जाएंगे तो थकान नहीं होगी भाई। पापा मम्मी भाई थोड़े से उम्र हो गई है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ट्रैवल ज्यादा ना हो और बच्चा भी परेशान ना हो भाई। ध्रुव बच्चे तो होंगे नहीं, आप खुद परेशान हो। अच्छा बच्चे परेशान नहीं होते, तो फिर गाड़ी में बैठते क्यों बोलता है, कब पहुंचेगे कब पहुंचेगे? वो तो ऐसी हां ऐसे ही भाई, गाड़ी में मेरा सर खा जाता है, ये कब पहुंचेगा कब पहुंचेगा। ये रही भाई, कोई नहीं रखो अब, क्या हमारा क्या काम है उसका। सो भाई चलते हैं यार, छाया में खड़ा करने का ये फायदा हो जाता है, गाड़ियाँ गर्म नहीं हुई बिल्कुल, वरना धूप में तो तप जाती। और भाई यहाँ चढ़ानी है गाड़ी हमें इस रैंप पे। सो ध्रुव इस रैंप पे चढ़ानी है, देखिए पावर लगेगी पूरी, 1 2 3। ये देखो भाई इंजन का भी आवाज़ आ रहा है, उसको हाथ भी दे रहे रुक जा रुक जा, रुका नहीं। और हम भाई ऐसे बिल्कुल सलांट पे रुक गया। ये थी भाई वो गाड़ी, मतलब इसको बोल रहे रुक जा, क्योंकि भाई जब नीचे से ऊपर गाड़ी जाती है ना तो पावर लगती है, बीच में अटक जाए तो आप समझ सकते हो भाई, और गाड़ी स्लिप कर जाए तो भाई, तो ड्राइवर मेरे जैसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, है ना ध्रुव? आपके जैसा होना चाहिए, एकदम पतला, एकदम पतला सुगड़ा। तो एकदम स्मार्ट लग रहा हूँ मैं ध्रुव आज, देख ये शर्ट ना सूट करती है मेरे को, ये कलर जो है ना। और भाई भांग की ऐसी खुशबू आ रही है ना यहाँ, मतलब पूरी महक मार रही है। तो भाई जब चलते हैं भाई, मैं दिखा दिया मैंने आपको भाई कैची धाम, नीम करौली बाबा साहब, नीम करौली बाबा जी का मंदिर। लो अपनी गाड़ी में बैठ गए भाई, गुदी गुदी मत कर, तो गुदी गुदी कर रहा है भाई, गुदी गुदी रूहानी को बोलता रहता ना, इसलिए निकला मुझे ना, गुदगुदी होता है भाई। सो लेट्स गो।